ओनली आप, ये गेम बड़ा ट्रेंड हो रहा है, जिसको देखो ओनली आप खेल रहा है। बेसिकली इस गेम में हमारे कैरेक्टर को आसमान की ऊंचाइयों में जाना होता है, और अगर नीचे गिरे तो गेम खेलने का पछतावा होता है, फिर भी वापस खेलना होता है। मतलब ब्रेन डन हो जाता है, मन को सेटिस्फाई भी तो करना होता है। तो मुझे सेटिस्फाई होना था, मतलब गेम खेलना था, पर अब मुझे याद आया कि अपने पे तो पीसी। ओके तो ओनली आप नहीं तो ओनली आपकी कॉपी ही सही। रुको रुको कहीं जाओ मत, मैं आज बस गेम नहीं खेलने वाला। तो गेम के साथ साथ मैं जब भी गेम में मरूंगा तब मैं टंग ट्विस्टर बोलूंगा। तो देखते हैं आज क्या होता है और कितने बार मर के मुझे टंग ट्विस्टर बोलना पड़ेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो हेडफोन्स लगा के वीडियो बनाने से टिका के बैठ जाओ रिलैक्स होके, और एंड करते ओनली आप गो पार्कोर के वर्ल्ड में। ओके तो मैं ओनली आप गो पार्कोर के वर्ल्ड में आ चुका हूँ। मतलब ये मोबाइल वर्जन है ओनली आप का, और इसमें भी सिमिलर थीम है कि हमें ऊपर चढ़ना है, चढ़ते जाना है, पता नहीं क्यों चढ़ना है। और ये चढ़ तो रहा है, देखो अभी ये बस के ऊपर चढ़ के बैठा है, और इसको ऊपर जाना है। इसको स्कूल बैग लेके क्यों जाए ऊपर जाना है, पता नहीं स्कूल बैग है या ट्रेकिंग बैग है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं बैग को लेके। पर चलते आगे, देखते क्या करना क्या है, कहाँ तक जाएगा ये ऊपर पता नहीं, देखते आगे जाता। ओके कैन भी कलेक्ट करने जाते जाते, और इतनी पतली वायर पे ये चढ़ पाएगा, शॉक नहीं लग जाएगा ना। ओके भाई साहब ये वायर के बीच में से जा रहा है, मतलब कौन सा इन्होंने ये लगाया फिजिक्स मुझे नहीं पता। जितना मुझे लग रहा है हम ये गेम एक सिटी में प्ले कर रहे हैं, और इस सिटी में कोई लोग भी नहीं हमारे सिवा, हम अकेले रह गए। और क्योंकि देख सकते हो ये गाड़ी भी बंद पड़ी है, सब कुछ बंद पड़ा है, सिटी के बाकी सब तो लोग गायब है, पर इस लड़के को ऊपर चढ़ के क्या मिलने वाला है पता नहीं। अरे बाकियों को ढूंढ ले या फिर किसी सेफ जगह चल जा, पर नहीं इसको तो जाना है ऊपर। हम तो जाएंगे ऊपर क्योंकि गेम का नाम है ओनली अप, तो ऊपर ही जाएंगे हम। सही है तो जाओ ऊपर। यहाँ से देखते यहाँ पे हम किसी बिल्डिंग्स पे आ गए हैं, और ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर ये सब जो डाल के रखा है, जैसे कि इन लोगों को पहले से बता था कि सब लोग गायब होने वाले हैं और ये अकेला बच्चा बचने वाला है, और इसको मस्ती चढ़ने वाली ऊपर चढ़ने की पता नहीं। और ये बेड कौन सा रबर का बेड बना है भाई, इस पर जंप करने में इतना हाई लेवल जंप हो रहा है, और यहाँ से कैन कैसे ले। पर अगर ये जंप ही कर देगा तो फिर कैन कैसे ले ऊपर चढ़ के, ट्राई करते। ओके कैन ले लिया, अब सेफ लैंडिंग करनी होगी, नहीं तो अगर नीचे गए तो टंग ट्विस्टर बोलना पड़ेगा, पर मैं इतनी जल्दी तो नहीं बोलने वाला, तो अभी तो सेफ खेलूँगा। और आगे जाके यहाँ से चढ़ सकते हैं क्या, ट्राई करके देखते, दीवार पे चढ़ जाए। अरे कहाँ पे हवा पे लेज ग्रिप कर रहा है पता नहीं, ये क्या कर रहा है, हवा में ही पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है पता नहीं। ओके अरे फिर से हवा में, अरे अरे ये शायद गेम का कोई ग्लिच है शायद, पता नहीं क्या है। चलो आगे चढ़ते आगे बढ़ते, ओके जंप कर करके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जा नहीं रहा है, अटके जा रहा है बीच में। ओके इन पाइप के ऊपर चढ़ना है, पाइप के ऊपर कैसे चढ़े, इन बिल्डिंग के इस पे तो नहीं पकड़ के जा सकते, तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे बेड रखा है, इस बेड पे कूद के ही जाना पड़ेगा। ओके ठीक है और आ गए, ये तो सेफ था, मतलब यहाँ पे तब तो आसान है गेम, आगे जाके देखते कितनी हार्ड होती है फिर पता चलेगा, कितने टंग ट्विस्टर बोलने पड़ेंगे, आगे जाके देखता चलेगा, देखते आगे। ओके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कैन है, और यहाँ से पाइप से हम आगे जा सकते हैं, ऊपर में जा सकते हैं, तो चढ़ते पाइप के ऊपर और चलते ऊपर। ओके ठीक है चलते हैं। और जैसे ये पाइप्स रखे गए ना, मुझे लग रहा है इन सिटी वालों को पहले से बता था कि ये गायब होने वाले, और एक बच्चे को बड़ी मस्ती चढ़ने वाली कि ऊपर जाना है, और ऊपर जाके पता नहीं इसको स्वर्ग जाना है, नर्क नहीं, नर्क के लिए तो नीचे जाना पड़ता है, इसको स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, तो शायद ऊपर जाने इसको, शायद बाकी के चल गए ना तो इसको जाने का मौका नहीं मिला, तो ये खुद से जाएगा शायद, देखते। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, और इससे भी अरे बाप रे इतना ऊपर जा रहा है, इतने ऊपर से अगर हाइट से नीचे गिरे तो भाई हड्डी क्या कुछ बचेगा ही नहीं मुझे लग रहा है। अब ये दो रास्ते हार्ड या ईजी में, तो कौन सा चूज करें, मैं तो सोच रहा अभी ईजी लेते यार, स्टार्टिंग में हार्ड लेंगे तो भाई स्टार्टिंग से ही गिर जाएंगे, ऐसे बाद में गिरेंगे तो बहुत दुख होगा, पर देखते आगे जाके कब कैसे गिरते हैं और कितना दुख होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है देखते। वैसे कैरी मिनाटी के लेवल का तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तभी ठीक है, नहीं तो फिर पता ही है तुमको क्या हो जाएगा फिर। मुझे तुम लोग एक बात बताओ कि ये जो कंटेनर्स हैं वो ऐसे हवा में कैसे फ्लोट कर सकते हैं, मतलब कौन से लेवल का साइंस लगा है इन लोगों ने, मतलब ये देख ही सकते हो तुम लोग इतना ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग के भी टॉप पे आ चुके हैं, बहुत टॉप पे आ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, समझ नहीं आ रहा कौन सा लेवल का साइंस लगा है। शायद से होती होंगी कोई यूनिवर्सिटी जो ऐसा साइंस पढ़ाती होंगी, वो होती होंगी, तो उस साइंस का यूज़ करके इन्होंने ये कंटेनर्स हवा में फ्लोटिंग कराए। हमें क्या, हमें तो हेल्प हो रही है यार ऊपर चढ़ने में, तो हेल्प हो रही है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, तो चलते आगे। और यहाँ पे आगे जाके दो रास्ते, तो कौन सा रास्ता चूज़ करें,
मैं सोच रहा हूँ कोई अलग रास्ता चूज करते, क्योंकि वही रास्ते चल चल के मैं भी बोर हो चुका हूँ, आप भी बोर हो जाओगे। उससे अच्छा है कि हम दूसरे रास्ते से चल जाए। तो यहाँ पे क्या कार्डबोर्ड के बॉक्स है। वाह, कार्डबोर्ड के बॉक्स भी हवा में फ्लोट कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, वो हल्के होते हैं तो फ्लोट कर सकते हैं। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि मैं ये गेम इतने अच्छे से कैसे खेल पा रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी मैं किसी गेम में अच्छे से खेल रहा होता हूँ, मुझे लगता है मैं इस गेम का प्रो हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तभी ऐसा कुछ होता है कि ये तो मैं गेम में मर जाता हूँ, या फिर जितना बुरा हो सकता है उतना गेम में हो जाता। तो फिर रेडी हो जाओ, क्योंकि कभी भी मैं यहाँ से गिर सकता हूँ और तुमको मेरे मुंह से टंग ट्विस्टर सुनने को मिल सकता है। तो रेडी हो जाओ, देखते अभी अभी तो सब सही चल रहा है। अरे बाप रे, अभी गिरते गिरते बचाओ। ये देखो, कहा था ना मैंने, जब भी मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो रहा है तभी मतलब वाट लग जाती है मेरी यार, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। देखते हैं अभी ये कितने आगे के फ्लोर में आ चुके। ओके, सेकंड फ्लोर पे आ चुके। यहाँ पे भी ये बेड रखा है, बेड मतलब गिरना ही है नीचे। ओके, मुझे यहाँ से चढ़ के ये कैन भी तो लेना। अरे गया, मैंने बोला था। तो आज के वीडियो का पहला टंग ट्विस्टर ये है। फर्स्ट टाइम वाला मैंने थोड़ा सिंपल रखा है, ये मुझे 5 बार ही बोलना है। तो 3, 2, 1, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, 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 जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। तो फर्स्ट टाइम मरने के बाद मैंने टंग ट्विस्टर बोल दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मरने में तो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने ही बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे जंप मार दी जहाँ पे कुछ था ही नहीं। मेरी गलती थी, तो इस बार वो गलती नहीं करेंगे। इस बार जल्दी जल्दी करते, यहाँ से चलते पाइप से। ये रास्ता तो पता ही है, मतलब हो चुका है, मुझे याद हो चुका है। तो ये रोड तो मुझे पता ही है, जल्दी चलना है यहाँ से, ये पाइप के ऊपर से चलते हैं। तो वापस से मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, और इस बार मैं इजी वे नहीं चूज करूँगा, हार्ड वे चूज करूँगा। देखते हैं ना हार्ड वे चूज करके कितना मज़ा आता है। तो चलते हैं यहाँ से, यहाँ तो पाइप्स ही पाइप्स हैं, तो यहाँ से वैसे जा सकते हैं। सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना है, ऑब्वियसली सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और मुझे हार्ड वे इतना ईजी लग रहा है यार, ईजी वे इतना ईजी नहीं लगा जितना हार्ड वे ईजी लग रहा है। इसको ईजी कह नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो जो दिख रहा है वो ऐसा हो नहीं सकता। इजी इजी कह के इतना इजी निकल जाएगा ना, कि इतनी जल्दी टंग ट्विस्टर आ जाएगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इतने पाइप्स किसने रख दिए भाई, हवा में पाइप्स रख दिए, और ये पाइप्स कनेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ से जंप करके कहाँ से जा सकते हैं, इस पाइप पे जंप करना है। अरे वाह भाई, हम प्रो है, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम कहीं से भी जंप लगाते हैं, हम गिरते ही नहीं है। देखो गिरा मैं नहीं, गिरा ना, मुझे चैलेंज मत करो गेम वालों, मेरे से पंगा मत लो, समझे, मेरे से पंगा मत लो। यहाँ से कूदना ही है, लो कूद गया, ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे से जा रहे हम। अब आगे देखते कितना हार्ड वे आता है। वैसे ये तो एक लाइन में ही जाए जा रहा है। देखो ये रास्ता तो जाए जा रहा है, पर टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, टाइम को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो उतने टाइम में तुम क्या कर सकते हो पता है, वहाँ पे एक लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक मत करना, उसके साथ एक घंटी भी आती है उसको भी बजा देना। और हाँ, उसको बजाने के बाद एक और काम है तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, एक और काम है। इस वीडियो में मैंने कितनी बार पता नहीं बोला है, वो एक बार ही काउंट करके लिख दो यार। मुझे उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं ये गेम से उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, कि इतनी बार मैंने पता नहीं बोल दिया, कि मुझे ही पता नहीं कि ये कितनी बार बोल दिया। तो लिख दो एक बार कमेंट में कितनी बार बोल दिया मैंने ये। तो देखो, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होने दिया, और हम सेकंड फ्लोर तक भी आ गए। तो सेकंड फ्लोर से आप स्टार्ट करते जहाँ से पिछली बारी गिरे थे ना नीचे, इस बार ही नहीं गिरना है नीचे। बस डर इस बात का है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग के यहीं पे ना मर जाऊं, पर उतना साइंस नहीं डाल रहा है गेम में, तो टेंशन लेगी नहीं, क्योंकि भाई बात नहीं, अभी वापस से वहीं पे गिरता मैं यार, गिरते गिरते बचाऊ। ओ भाई साहब, जो बचाऊ वहां से मैं मतलब मुझे लगा था अब गेम खत्म, फिर से मरने वाला हूँ, पर जो बचाऊ ना मैं। ओके ठीक है, वहां से तो बच गया, पर वहां से आते आते वो बेड पे एक कैन रह गया। वो लेना तो नहीं चाहिए, पर मेरे हाथ रोक नहीं रहे, मुझे बोल रहे कि वहाँ चलते, वो कैन उठाना चाहिए हमको, ऐसा कुछ पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो लेने को जाना पड़ रहा है मुझे। अब अगर वहाँ से गिरा
तो भाई फिर से टंग ट्विस्टर बोलना पड़ेगा, पर ये हाथों का क्या करो, रोक नहीं जा रहे, और यहाँ से जंप करके आराम से लेना पड़ेगा, यहाँ से गिरूंगा फिर वापस से, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ से कैन भी तो लेना है, बेड पे जंप करना पड़ेगा, ठीक बेड पे जंप करना पड़ेगा ताकि मैं बेड पे जंप करके वो कैन ले सकूँ। ओके ठीक है, ऊपर आ गया, आ गया, इतना ऊपर आके मैं सीधा क्यों नहीं चल जाता ऊपर। ओके ले लिया कैन, तो सीधा टावर पे आ जाते, टावर पे आ सकते हैं नहीं यार? ओके इस टावर पे आ सकता, मुझे लगा एकदम ऊपर वाले टावर पे आ सकता था। तो नहीं छोड़ो, उतना भी ये नहीं, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमको, थोड़ा गेम प्ले पे भी ध्यान देना चाहिए। तो वो कैन लेके मेरे हाथ सेटिस्फाई हो गए और मेरा मन भी सेटिस्फाई हो गया, पर इतना नहीं कि मैं गेम यहीं पर रोक दूँ, गेम नहीं रुकेगी, अभी गेम और चलेगी। तो यहाँ से वहाँ पे जंप करना है, हो पाएगी जंप, हो जाएगी। अरे गए, अरे खत्म रे, खत्म 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 कहानी। तो गाइस जहाँ पे अपने कैरेक्टर की कहानी खत्म होती है वहाँ पे अपना टंग ट्विस्टर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट टंग ट्विस्टर ये रहा, 3, 2, 1, गो। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। तो चलो 5 बारी चील को चूहा खिला के, मतलब 5 बारी टंग ट्विस्टर बोल के, अब बढ़ते गेम की तरफ। और ये कहाँ अटक गए लूप में यार, बेड पे कूदे जा रहे, यहाँ पे कूदना है रे, वहां पे नहीं कूदे जा रहे, लूप में कूदा जा रहा है, कूदा जा रहा है, बस कूदे जा रहे। तो यहाँ से मैं मिलूंगा आपको सीधा सेकंड फ्लोर पे, तो मिलते हैं वहां पे। तो गाइस मैं सेकंड फ्लोर के थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि इस बार मैंने वो इजी वाला रास्ता चूज किया था, इसलिए मैं इधर से आ गया हूँ। ये तारे देख रहे, तारे, ये तारे देख के मुझे एक ही सीन याद आ रहा है। अच्छा कि यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज ऑफ करके रखा है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा शौक लगता ना कि कभी भूला नहीं जाता। बड़ी कलेक्टिव मूवमेंट हो जाती इस बच्चे के लिए। देखो पहले हमें बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ाया, अब चढ़ाया फिर कंटेनर के ऊपर, फिर चढ़ाया पाइप्स के ऊपर, अब तारों के ऊपर चढ़ा रहे, अगली बार किसके ऊपर चढ़ाएंगे पता नहीं, ये बस ऊपर चढ़ा रहे, क्योंकि गेम का नाम ही है ओनली अब बस ऊपर चले जाओ, हम कुछ भी एलिमेंट देंगे तुम बस ऊपर जाना है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, देंगे वो एलिमेंट पे चढ़ो ऊपर जाओ। तो ऊपर आ गए हम, और यहाँ पे मुझे लग रहा है हम थर्ड फ्लोर पे भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है हार्ड या इजी। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हार्ड पे ही चलते है ना, इजी पे कौन जाता है, इजी पे तो नूब जाते हैं, हम तो प्रो है, हम पे तो हार्ड पे ही जाएंगे। बट हार्ड में ये मेज सा क्यों रखा है, ये मेज में क्या करेंगे, मेज में घूमेंगे, मतलब ओनली अप में ये मेज कौन सी आ गई पता नहीं, क्लियर करें ये, देखते आगे क्या है। अरे कहाँ अटक गया तू, ओके आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे तो बंद है, यहाँ पे क्लोज है, चढ़ेंगे कैसे, मतलब कहीं पे मुझे लग रहा है यहाँ पे टेबल पे चढ़ के हमें जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे जो टेबल्स रखे, इसमें नहीं, इसमें नहीं घुसना है, यहाँ पे जो टेबल्स रखे है ना, ये रखे है ना, इनके ऊपर चढ़ना है, पर यहाँ पे चढ़े कैसे, जब इनके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या, नहीं ये ज्यादा ही ऊंचा है, इतना इतना उसका हाइट ही नहीं है, बच्चे का इतना हाइट नहीं उसका, तो जितना हाइट है उतना कूदते हैं ना। ओके पहले इस टेबल पे चढ़ते, बाद में ये जो मुझे लग रहा है ना हाफ है, उस हाफ पे चढ़ सकते, हाँ इस पे चढ़ सकते, सीधा भी चढ़ सकते, तो यहाँ पे चढ़ के, ओ यहाँ पे ऐसे आगे जाना था, मैं नीचे नीचे घूम रहा हूँ, मैं नीचे घूमते ही जाता भाई, अगर मुझे पता नहीं चलता मैं यहीं पे घूमता रहता। ओके यहाँ से वहां जाना है, अरे गिर गया, ओके कोई नहीं, अब तो पता है ना कहाँ से चढ़ना है, तो अब इजीली चढ़ जाएंगे, यहाँ से चढ़ना है पहले तो, और यहाँ से चढ़ के वो जो विंडो है वहाँ से एग्जिट करना है यहाँ से। ओके यहाँ पे एक और कैन रह गया, पर नहीं यार अब कैन के लिए नहीं जाना पीछे, तो कैन के लिए पीछे जाते अलग ही सीन हो जाते। तो यहाँ से चलते ये विंडो से बाहर जाना है, ओके विंडो से बाहर जाके, ये तो पूरा आसमान है भाई, इतने ऊपर आ गया हूँ ना मैं, अब इसके नीचे अगर गिरा ना बहुत बुरा लगे, मैं बोल रहा हूँ बहुत बुरा लगने वाला है, इसके ऊपर नहीं गिरना है, क्योंकि यहाँ से कहाँ इस बिल्डिंग पे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो मुझे लग रहा है इस बिल्डिंग पे ही जाना पड़ेगा। ओके यहाँ से ही जा सकते हैं हम, तो यहाँ पे कूदते हैं, यहाँ पे बेड भी रखा है, ओके बेड क्यों रखा है, शायद से इनके ऊपर जंप करना है, नहीं यहाँ से तो चढ़ सकते हैं हम। ओके यहाँ से कैन लेते और यहाँ आगे कहाँ से जाना है, यहाँ से ये कैन है, वहाँ कैन ले आते और यहाँ से चलते हैं। ओके इसके आगे भी जाना पड़ेगा, देखते हैं आप कैसे आगे कैसे चढ़ सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ से चढ़ने के लिए मुझे बेड का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लग नहीं रहा मुझे यहाँ से जंप कर पाएगा, तो बेड का यूज़ करते हुए चलते यहाँ से।
ओके, बेड से कूदना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा, जरा ऊंची जंप करनी पड़ेगी। और ये कैरेक्टर यहाँ क्यों नागिन डांस कर रहा है? अरे यहाँ नागिन डांस नहीं करना, तुझे ऊपर चलना है ना, भूल गया क्या? ओके, यहाँ से जंप करके थोड़ा और ऊपर चलना है, जितना जंप करूंगा उतना ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं चढ़ पाया। ओके जंप हो गया, जंप हो गया, हो जाऊंगा। अरे फिर से रह गया। अरे जंप अच्छे से करना, नहीं तो नीचे रह जा रहा हूँ मैं, फिर से नीचे रह गया। अब यहाँ पे, अरे यहाँ पे अटक गया, अटक गया, या फिर ये बच्चे यहाँ पे सो गया। अरे बच्चे यहाँ पे सोने की जगह नहीं है, उठ जा। अरे जी मैं सो गया क्या? पता नहीं गाइस, मुझे लग रहा है ये कोई ग्लिच हो गया है, और ग्लिच का मतलब ये गेम हमें फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगी, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगी, मतलब ये गेम की कहानी खत्म अभी के लिए। तो कहानी खत्म मतलब एक और टंग ट्विस्टर। तो ये रहा आज का लास्ट एंड हार्ड टंग ट्विस्टर। 3 2 1 गो। चार चोर चार छाते में, चार आचार चाटे, चार चार कर चार चाहता, चोर चुरा के भागे। चार चोर चार छाते में, चार आचार चाटे, चार चार कर चार चाहता, चोर चुरा के भागे। चार चोर चार छाते में, चार चुरा के भागे। गाइस सॉरी यार, पर मेरे से तो इतना ही हो पाई ये टंग ट्विस्टर। तो गाइस आज मैं 3 बारी मार के, 3 बारी टंग ट्विस्टर बोल के मैं तो डन हो चुका हूँ। आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो? और हाँ, अगर आपको ये लास्ट वाला टंग ट्विस्टर 5 बारी बोलने को हो रहा है, तो आप वो रिकॉर्ड करके मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। वो वीडियो को मैं अगले वीडियो में हाइलाइट करूंगा। और हाँ, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए मैं 5 लाइक और 2 कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर दोगे। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।